हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। किसानों की खुशहाली है उन्नत फसल, बीज, सिंचाई और बीमारियां, इन सभी परेशानियों से ना पड़े आपको दो चार होना, इसीलिए हम लाए हैं किसान भाइयों के लिए धरती उगले सोना, सिर्फ जन टीवी पर। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन के उस फोटो को लेकर के, सियासी पारा गरमाया हुआ है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो डायरी और कैलेंडर में चरखा काटते हुए दिखाया गया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित अन्य विपक्षी दलों का आरोप है कि इससे गांधी जी की गरिमा को गिराया गया है और साथ ही खादी का जो मिशन है उसे ध्वस्त करने में जुटी हुई है भाजपा। साफ कहना है कि जहां फोटो गांधी जी का होना चाहिए वहां मोदी जी का फोटो लगा है। इसी से साफ झलकता है कि मोदी जी अपनी सस्ती लोकप्रियता को भुनाने के लिए किस कदर अपना ये कहें कि पब्लिसिटी कर अपनाने के लिए कहीं भी किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। यही एक उन्हें एक जरिया मिला है जिसके जरिए ये एक बार फिर अपने उसको भुनाना चाहते हैं। दूसरी ओर जो मिस्टर सक्सेना कमीशन के चेयरमैन है उनका साफ कहना है कि पिछले दो साल में 34% खादी की बढ़ोतरी हुई है और उसकी वजह नरेंद्र मोदी हैं। तो भला ऐसे में मोदी की फोटो क्यों ना दिखाई जाए। चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गिरिराज गर्ग साहब हैं, भाजपा नेता मनीष पारिक साहब हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है। गिरिराज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर कमीशन की बात पे यकीन करें तो उनका साफ कहना है कि पहले भी कई मर्तबा ऐसा हुआ है कि गांधी जी की फोटो नहीं छपी है और ये कहीं लिखा हुआ नहीं है कि फोटो छपे, नहीं भी छपे को आवश्यकता नहीं है कि मोदी साहब की भी फोटो छपे, लेकिन हमें लगा कि देश के प्रधानमंत्री हैं और एक ब्रांड के रूप में वो युवाओं के बीच लोकप्रिय हैं तो हमें खादी के भले के लिए उनको भुनाना चाहिए। नहीं, खादी के भले के लिए प्रधानमंत्री की फोटो लगाएं, लेकिन खादी के प्रति उनका योगदान क्या रहा? गांधी जी का जो योगदान खादी के प्रति रहा, स्वदेशी अपनाने के प्रति, देश के आंदोलन के प्रति जो गांधी जी का कंट्रीब्यूशन था, जो त्याग था, उनकी जो तपस्या थी। आप एक तरफ तो ढिंडोरा पीटते हो कि हम गांधी के सिद्धांतों पर, गांधी की विचारधारा पर, गांधी की नीतियों पर देश को चलाना चाहते हैं, उनको स्थापित करना चाहते हैं, आडंबर रखते हो। दूसरी तरफ आप गांधी जी की फोटो हटा के खुद की फोटो लगाना चाहते हो। आपकी जब योजनाएं फेल हो रही है तो आप सस्ती लोकप्रियता के लिए फोटो खादी के ऊपर, चरखे के ऊपर लगाना चाहते हो। चरखे से आपका संबंध क्या रहा? सबसे बड़ी बात यह है कि चरखा जो है वो एक सिंबोलिक गांधी का ना दूसरा पर्याय रूप है, उसके बारे में आपका कंट्रीब्यूशन देश के अंदर चरखे के प्रति, खादी के प्रति या कच्चे सूत के प्रति क्या रहा आपका, जो आप इतना हल्के स्तर पे जाके आप पब्लिसिटी करें, सरकारी योजनाओं पे प्रधानमंत्री की फोटो लगे, कोई किसी प्रकार की हमेशा लगती रही है, कोई उसमें आलोचना नहीं है, लेकिन खादी के प्रति महात्मा गांधी की फोटो, आप राष्ट्रपिता का अपमान कर रहे हैं सीधा सीधा। फिर आप अभी जब नोटबंदी चालू की आप क्यों महात्मा गांधी की फोटो नोट पे लगाई, उस पर भी आप प्रधानमंत्री की फोटो लगाते, वो तो ज्यादा ना पब्लिसिटी का ना जरिया था, बहुत ज्यादा नोट के ऊपर तो कि करेंसी के ऊपर प्रधानमंत्री की फोटो लगनी चाहिए, लगा देते आप, कौन मना कर रहा था? शासन है आपका, आप अहंकार में डूबे हुए हैं, जो चाहेंगे वो करेंगे, डिक्टेटरशिप, पूरे देश को आपने ना डरा के शासन कर रहे हैं, करेंगे आप गांधी जी की फोटो ना नोट पे भी ना हटा देते तो कोई आलोचना, कोई आरोप थोड़ी था भाई। ठीक है, आपका ना शासन है, आपकी नीति है, आप जैसे देश को चलाना चाहेंगे चलाएंगे, जनता ने आपको मैंडेट दिया है, वो तो 2019 में जनता तय करेगी कि दोबारा आपको शासन देगी या नहीं देगी। चलिए मनीष जी, आपने सुना भी गिरिराज गर्ग साहब को प्रतिपक्ष का आरोप यह है कि मोदी जी सस्ती लोकप्रियता के लिए किस तरह के पब्लिसिटी स्टंट अपना रहे हैं, उसका एक ये भी जरिया रहा जहां महात्मा गांधी की फोटो होनी चाहिए थी
चरखा काटते, चरखे का सिंबल के रूप में हम देखें तो महात्मा गांधी को उपयोग करते हैं, ये प्रतिपक्ष का साफ कहना है, लेकिन मोदी साहब उस विरासत को ध्वस्त करने में लगे हुए हैं। ये बड़ी बात यह है कि जो कैलेंडर है वो एक ऐसी कमोडिटी है, वो तो छपता ही रहता है हर बार, कोई दूसरे विभाग वाले में सब में गांधी जी का होता ही है, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी मुद्दा बना रही है तो गांधी जी का गरिमा गिराने का काम कर रही है। मतलब वो अगर ये बहस ना हो, आप समझिए कि कोई चर्चा ही ना हो इस कैलेंडर की, क्योंकि क्या फर्क पड़ेगा, और कैलेंडर किसने देखा है, कौन को दिए जाएंगे, कितने से छपेंगे, वो अलग बात है, लेकिन इस विषय पर चर्चा करके और मोदी जी और गांधी जी बनाम मोदी जी इस तरह का क्रिएट सीन उन्होंने किया है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि गांधी जी की गरिमा तो इससे गिरी है कि जो कांग्रेस पार्टी ने किया। दूसरी बात यह है जो छापने वाले हैं उनको लगता है कि 34% बढ़ोतरी हो गई है तो हम तो हमारे इंडस्ट्री को डेवलप कर रहे हैं, इस बात से तो गांधी जी की आत्मा भी खुश होगी कि जो ग्रामोद्योग विकास बोर्ड है उसके उस विषय पर जो भी कुछ 34% खादी की बिक्री बढ़ गई है, तो मुझे तो लग रहा है गांधी जी की आशीषें मोदी जी को मिल रही है, क्योंकि इससे पहले जो गांधी नाम के प्रधानमंत्री थे उन्होंने भी ऐसा नहीं कर सके वो, और बातें चाहे कितनी की हो बीजेपी ने जो 5 पंचनिष्ठाएं हैं उसमें भी 3 नंबर की पंचनिष्ठा में गांधीवादी समाजवाद पर आधारित शोषण मुक्त और समतायुक्त समाज को अपनी मेन विचारधारा में जोड़ा है, तो कांग्रेस का तो ये भी नहीं है, ये केवल ये कहते हैं कि हमारा तो इतिहास है, हम तो गांधी जी के साथ वहां पे खादी पहनते थे, वहां जाते थे, अब खादी की माला पहनते हैं, तो अल्टीमेटली आप देखेंगे अब वर्क कल्चर आ गया है, लोगों को लगता है केवल बातों से काम नहीं, जो परफॉर्मेंस कर रहा है वो ज्यादा ठीक है, तो दोनों तीनों बातें इस प्रकार की है कि कांग्रेस को बेकार की बयानबाजी से बचकर और गांधी जी की गरिमा से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जी गिरिराज जी, इसमें अगर गरिमा गिराने वाली बात कहें या विरासत को ध्वस्त करने की बात कहें, ये कैसे लगता है कांग्रेस को कि विरासत को ध्वस्त कर दिया जाएगा और जो गांधी जी है उनका अपमान? ये ऐसा है कि ये जो कह रहे हैं कि गांधी जी की फोटो को नहीं छापना खादी के चरखे के साथ में, और कांग्रेस इसको मुद्दा बना रही है जो कोई मुद्दा है ही नहीं, तो हम कह रहे हैं ना आपको कि आप जो है गांधी के सिद्धांतों की पंचनिष्ठा की बात करते हो तो फिर गांधी जी का अपमान तो आप कर रहे हो, हम थोड़ी कर रहे हैं, हम तो चोर को यह भी मत कहोगे तू चोरी कर रहा है, देखो आप इस देश का शासन देखो, इस शासन में बैठे हुए लोग ये कह रहे हैं कि जो चोरी कर रहे हैं हम उसको या मत को जो गलती कर रहे हैं उसको विपक्ष अपनी जिम्मेवारी भी नहीं निभाए प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंदर कि ये आपने गलत किया वो मत कहो, आप आंख मीच लो, बिल्कुल हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, हम जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, हमारी बातों का विरोध करोगे तो आपको देशद्रोही कहा जाएगा, हमारी योजनाओं का हमारी अगर कोई गलती अगर आप बताओगे तो आपको जो है वो ये कहा जाएगा कि आप जो है वो ऐसा गलती कर रहे हो, आप बता क्यों रहे हो हमारे को, हमको करने दो ना, जो हम कर रहे हैं वो हम हमारे हिसाब से कर रहे हैं और हमें जो अच्छा लगेगा वही हम करेंगे, हमें कोई मतलब नहीं है ना इस बात से कि कौन गांधी जी का अपमान कर रहा है, कौन अपमान नहीं कर रहा है, कौन उनकी प्रतिष्ठा को ध्वस्त कर रहा है, कौन उनकी प्रतिष्ठा को ध्वस्त नहीं कर रहा है, हम कतई इस बात को मानने को तैयार नहीं है, तो ठीक है हम तो ये कह रहे हैं कि भाई करिए, हम तो उल्टा ये कह रहे हैं कि गांधी जी को आपने अभी करेंसी बदली उसके ऊपर से भी आप उनको मुक्त कर देते, गांधी जी को राष्ट्रपिता मानने से भी मुक्त कर दो, अनेकों बार आपके पार्टी के निर्वाचित सांसदों ने यह कहा है कि राष्ट्रपिता हुए ही कैसे गांधी जी, हम उनको मानने को तैयार नहीं है, तो अगर उसको भी नहीं मानो आप तो देश है आपको जबरदस्ती थोड़ी है, नहीं मानोगे नहीं मानोगे नहीं, लेकिन ये कब कह रहे हैं बीजेपी के हम नहीं मानेंगे, ये तो राष्ट्रपिता के ऊपर इनके नेताओं के अनेकों बार बयान आ चुके हैं, अनेकों बार आरएसएस ने ये बात कही है, अनेकों बार ये बात उठी है कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हुए ही कैसे, उनको राष्ट्रपिता बनाया ही कैसे, लेकिन 80 के बाद में जब से बीजेपी का गठन हुआ किसी नेता ने कुछ इस पर ऑब्जेक्शन किया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को हम नहीं मानते हैं या तिरंगे को नहीं मानते हैं, बात बीजेपी की जाए तो निश्चित रूप से आरएसएस के नागपुर शाखा के अंदर लंबे समय तक तिरंगे को नहीं अपनाया गया, बीजेपी ने तिरंगे को नहीं अपनाया, अब धीरे धीरे जब इनको लगा कि नहीं ये तो तिरंगा जो है देश की आत्मा है, जब इन्होंने तिरंगे को पहनाना, मुझे अच्छी तरह ध्यान है 77 के पहले मानक चौक चौपड़ के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जनसंघ कोई संस्था इनकी तिरंगे का स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस मनाने नहीं आती थी, भैरव सिंह जी के शासन आने के बाद में इन्होंने गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस मनाना प्रारंभ किया, ये मानते ही नहीं थे, ये तो अपना जो झंडा था उसको मानते थे और अपनी निष्ठा को मानते थे,
तो इसी में भी आपको यही लग रहा है कि अपना एजेंडा थोपने की पूरी कोशिश? निश्चित रूप से इसके अंदर यही है कि ये चाहते हैं, नहीं इसके अंदर क्या है कि मोदी जी को ऐसा लग रहा है कि मेरे 2.5 साल के शासन से जनता ऊब चुकी है, जनता इस बात को महसूस कर चुकी है कि जो लोग लुभावन नारे मैंने दिए थे, जो जुमले मैंने फेंके थे, वो जुमले जो है अब जनता के गले उतर गए हैं। जनता मान गई है कि मेरा शासन, जो विश्वास जनता ने किया था, वो विश्वास में मैं खरा नहीं उतर रहा हूं। इसलिए उन्होंने अपनी लोकप्रियता, अपना चेहरा हर उस योजना के माध्यम, आपका कहने का अर्थ यह है कि विवादों में आ जाओ, योजनाओं से हम पीछे हट जाएंगे। निश्चित रूप से आप देख लीजिए, इन्होंने जो चुनाव के समय वादे किए थे उन सब वादों को डाइल्यूट करने के लिए इन्होंने नोटबंदी का फार्मूला लिया है। जब नोटबंदी फेल हो गई 100% तो कैशलेस की बात करने लगे। ये क्या है, ये आप क्यों नहीं ना देश को बताना चाहते हो कि हमने जिन एजेंडे के ऊपर चुनाव लड़ा था, जो विकास की बात करते थे, आज वो विकास गौण हो गया इनका। चलिए मनीष जी, प्रतिपक्ष का ये साफ कहना है कि योजनाओं से ध्यान भटकाने के लिए, ताकि कोई हिसाब नहीं मांग ले, मोदी साहब के वादों से पीछे हटने के लिए कि कोई हिसाब नहीं मांग ले, एक पब्लिसिटी स्टंट बीजेपी हमेशा रखती है कि जब जवाबदेही का वक्त आता है तो उस वक्त कुछ ऐसा विवाद पैदा कर दीजिए ताकि पार्टियां उसमें उलझी रहेंगी और हमसे कोई जवाबदेही के बारे में पूछेगा नहीं। ये आरोप है गिरिराज साहब से सुना अभी आपने। बात ये भी है, गिरिराज जी जब ऐसा कह रहे हैं तो इनके हाथ में तो पूरा चाबी आ गई है कि विवाद खड़ा ही मत करो। तो जो हमारी, मान लो आप कह रहे हैं कि हमारी इस तरह की योजना होती है तो वो योजना विफल हो जाएगी। अगर ये विवाद खड़ा ही नहीं करेंगे तो प्रचार कैसे पाएंगे भाजपा? तो एक तरफ तो ये खुद ही ऐसी बात कह रहे हैं जिसके कारण वो नहीं होता। दूसरी बात, इन्होंने गांधी जी की, आप एक बार गौर से देखें योगेंद्र जी की, गांधी जी की छवि को इस तरह की प्रस्तुत किया है कि वो एक कैलेंडर में छपने को मोहताज नहीं है। गांधी जी देश की आत्मा है, गांधी जी जन जन में बसे हुए हैं, उनकी बातों को सब मानते हैं और यही कारण है प्रातः स्मरणीय जो हमारा होता है उसमें गांधी जी का नाम भी है और पंचनिष्ठाओं में स्वीकार किया है। और ऐसा नहीं, हर जगह पर 2 अक्टूबर को भी सब काम होते हैं, परंतु ये कोई इनको सबूत देने के लिए बीजेपी करने लग जाए, मैं ये कहना चाहता हूँ। चाहूंगा मनीष जी, आपको बीच में रोक रहा हूँ, आपकी जो पंचनिष्ठाएं हैं उनमें गांधी जी का जिक्र नहीं है। बिल्कुल है, तीसरी जो तीसरे नंबर की पंचनिष्ठा है, गांधीवादी समाजवाद पर आधारित शोषण मुक्त और समता युक्त समाज, ये हमारी तीसरी। गांधी शब्द है ही नहीं उसके अंदर। आप ऑन, आप देखिए, आप हो सकता है कि आपने नई पंचनिष्ठाएं, अगर आपने आपने घड़ ली है नई पंचनिष्ठाएं। नंबर एक, पहला बात है एकात्म, राष्ट्रीय एकात्मता नंबर एक, बिल्कुल है। नंबर दो डेमोक्रेसी है, जो इसको लोकतंत्र कहते हैं, और तीसरा नंबर पे गांधीवादी समाजवाद पर आधारित ये, और चौथा नंबर है सर्वधर्म संभाव, और पांचवा है मूल्य आधारित राजनीति। ये मेरे को पांचों मैं आपको पढ़ रहा हूँ अक्षर से। एक दूसरी बात ये कि अब ये भाजपा का व्यक्ति कह रहा है कि इस मूल भावना के साथ मान लेंगे, और मुझे जहां तक ध्यान है और कई बार चर्चाएं होती हैं उसमें नहीं, और ये जो बोल रहे हैं कि झंडा नहीं लगाते थे बड़ी चौपड़ों, ये परंपरा ही तब हुई, विपक्ष क्रिएट हुआ है, उससे पहले तो खाली सत्ताधारी दल का होता था। विपक्ष था ही नहीं क्या भावन से जब चुनाव हो रहे हैं जब तक? जब यार कैसे आप झंडारोहण नहीं होता था ही नहीं। मेरी बात सुनो, आप जो परंपरा होती है पूर्व मुखी में सत्ताधारी दल बनाता है और इधर दक्षिण मुखी में विपक्ष बनाता है, ये परंपरा 77 से ही जारी की माननीय भैरव सिंह जी ने, और उसका कारण है उससे पहले तो ये दूसरे को समझते नहीं थे, कोई था ही नहीं, झंडारोहण होता नहीं था विपक्ष के द्वारा, इसलिए ये बात नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, जो भी कोई राष्ट्रीय अस्मिता के प्रतीक मान चिन्ह है वो संविधान में वर्णित है, वो हमारी आस्थाओं के केंद्र है, जो भी कोई पॉलिटिकल पार्टी है वो उनको मानेगी मानेगी, एक बात। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि वो तो सत्ता में आ गए ना, इसलिए फिर उन्होंने मानना शुरू किया तिरंगे को, ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बयानी है। भूमिका लेकिन गिरिराज सही कह रहे हैं, दरअसल जो सीटें, तिरंगा झंडा कोई क्यों लगाएगा, तो अब ये तो आप समझिए बात को, जो भी कोई संवैधानिक आस्पेक्ट है उसके नियम कानून होते हैं, कहीं पे भी किसी भी भवन पर उसको नहीं लगाया जा सकता है, तो ये अपेक्षा करें कि नागपुर में नहीं माना जाता है, ये तो समझते नहीं है, क्योंकि जो प्रातः स्मरण, जो प्रार्थना संशयों को जरा की जाती है उसमें गांधी जी का नाम शुरू से है, एक बात। दूसरी बात, गांधी जी पूरे संसार में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो सत्याग्रह में, इस विषय में, अभी भी अहिंसा के उसमें वो है, लेकिन अभी इनको एक कैलेंडर के उस पर लेकर आ गए हैं, इनको सोचो। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, जो इन्होंने वेदना रैली निकाली थी, जन वेदना, उसमें उन्होंने कहा कि डरो मत, तो ये फियर ऑफ रिजेक्शन इतना ज्यादा राहुल गांधी जी के दिमाग में छाया हुआ है
कि उनको हमेशा लगता है हम लोग रिजेक्टेड लोग हैं, तो वो उनको बार बार कह रहे थे कार्यकर्ताओं को डरो मत, जब कार्यकर्ता कह रहे थे हम तो डर ही नहीं रहे, आप क्यों हमको कहना चाह रहे हो, तो कार्यकर्ताओं को ये सोचते उनकी मानसिकता में डर घुसा हुआ है, और यही कारण है कि मोदी जी दिखते हर जगह। अब ये कोई कैलेंडर